लोकतंत्र पर हमला है, खत्म करने के लिए साजिश जारी है। देश के कोने कोने में हर रोज कहीं ना कहीं आदिवासी पर, दलितों पर अत्याचार चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी वो क्यों चुप बैठा है, क्यों मुंह से कोई बात नहीं करता है पार्लियामेंट में, और साफ तौर पर एक बयान दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी तो कहना होगा। ये सिर्फ आरएसएस का ट्यून है। आरएसएस जहां जैसा स्कूलिंग करते हैं ना, उसका एजेंडा भी है। अगर मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो उनका ड्यूटी में क्यों रखा गया, कौन जिम्मेदारी है, तो सरकार का जिम्मेदारी बनता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां दलितों के सम्मान, अधिकार और आवाज़ के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की घटना आती है कि किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी किसी को जूते से पानी पिलाया जाता है, तो जाहिर तौर पर उसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी और उठाकर यहां जंतर मंतर पर आना पड़ेगा। इसी को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांगों के साथ आए हैं? प्रोग्राम था मणिपुर, जो इशू चल रहा है 3 महीने से, 150 से अधिक लोगों का मौत हो गया और 60,000 के अधिक आदिवासी, गैर आदिवासी जनता को घर से बाहर निकलना पड़ा है। महिलाओं को बेइज्जती चल रहा है, नंगा करके खुले हम उनके पर जो अत्याचार चल रहा है, ये सारे मामला बहुत ही कम आता है मीडिया में, क्योंकि इंटरनेट तो बंद रहता है ना। इसलिए इस इमरजेंसी स्थिति में सरकार को जो करना था, ये आम जनता की सुरक्षा करके, सुरक्षा देने के लिए, खास करके आदिवासी, गैर आदिवासी जो भी हो, इसके बारे में शांति सुरक्षा के बारे में सरकार को जो कदम उठाना था, कोई खास कदम अभी तक नहीं उठा है। लेकिन सरकार ने दावे जरूर किए हैं कि हमारी सरकार जो है सबसे सुरक्षित सरकार है, अमृतकाल है, अच्छे दिन है। वो तो दावा करते हैं, इसके बारे में बहुत ही विज्ञापन भी चलता है देश, पूरा देश में। लेकिन देश का क्या स्थिति है, जैसा पूरे देश में, देश के कोने कोने में हर रोज कहीं ना कहीं आदिवासी पर, दलितों पर अत्याचार चल रहा है, ये तो चलता ही रहता है, ये मनुवादी। हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है जहां पर दलित के घर बेटा पैदा हुआ तो स्वर्ण लोग वहां पर लड्डू खिलाने के लिए बोलने पहुंच गए कि हमें लड्डू खिलाओ। लड्डू ना खिलाने के बाद निर्मम उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी और जो लेडी थी जिसका बच्चा हुआ था उसका सामूहिक बलात्कार किया। ये सबसे बहुत बर्बरतापूर्ण घटना, इसको बहुत ही निंदाजनक है, ये भी निंदा करता हूँ। और अपराधी को सजा देने के लिए हम लोग सरकार से, प्रशासन से मांग भी करता हूँ, जहीं भी ऐसा घटना घटे कड़ा कदम होना चाहिए सरकार से। इसलिए हम लोग मणिपुर में जो घटना खास करके है, ये दूसरे घटना से अलग है। उधर भी एक नेशनल इमरजेंसी पैदा हो गया, तो ये नेशनल इमरजेंसी जो है, जहाँ लगातार 3 महीने से जो ये संघात संघर्ष चल रहा है, ये जातिवादी, सांप्रदायिकवादी जो मामला चल रहा है, उसको निपटने के लिए देश का, सरकार का जिम्मेदारी बनता है। ये सरकार तो सबसे मजबूत सरकार बुलडोजर के नाम पर चल रही है। ये सरकार तो हर समय तो बुलडोजर जो पॉलिसी है, बुलडोजर पॉलिसी लेते हैं और ये असहाय जनता के पर बुलडोजर चला देते हैं। ये आइन के सुरक्षा के लिए कहते हैं और गैर कानूनी काम सरकार ने करता है, मानवता विरोधी काम सरकार ने करता है, बुलडोजर चला देते हैं, विस्थापित करते हैं हजारों लाखों से तादाद के रूप जनता को विस्थापित कर देते हैं। ये कोई मानवतावादी काम नहीं है। इसलिए संवेदनशील मानवतावादी सरकार का काम है ये सारे मामले को मानवतावादी दृष्टि से सुलझाना, लेकिन ये काम करता नहीं। और खास करके मणिपुर में जो मामला है, वो मामला को सुलझाने के लिए वहाँ का जो सरकार है वो तो नाकाम हो गया, लेकिन केंद्र सरकार, जिसका प्रधानमंत्री खुद जबरदस्त प्रधानमंत्री हमारा देश में है, भाजपा का नेता नरेंद्र मोदी जी,
वो क्यों चुप बैठा है, क्यों मुंह से कोई बात नहीं करता है पार्लियामेंट में? बोलते हैं विपक्ष बोलने नहीं दे रहा, ऐसा स्थिति नहीं है, कौन रोकता है? राहुल गांधी सड़कों पर आके कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है हमें सदन में बोलने नहीं देता, और मोदी कहते हैं कि विपक्ष हमें बोलने नहीं देता, तो फिर बोलता कौन है? नहीं नहीं, विपक्ष तो बोलने के लिए ही तो है, सदन तो विपक्ष के लिए है, लेकिन अगर बोलने नहीं देंगे, विपक्ष का बोलना रोकना तो ठीक नहीं, लेकिन विपक्ष से तो कोई रुकावट पैदा नहीं हुआ, वो तो खास करके सत्ताधारी लोग ही सत्ता चलाने नहीं देते हैं, वो मांग करते हैं प्रधानमंत्री आए बयान दे, इतना बड़ा नेशनल इमरजेंसी है। अच्छा क्यों प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, क्यों क्यों विरोधी, हर एक विरोधी, सारे विरोधी लोग सांसदों ने अगर मांग करते हैं तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, सदन तो इसलिए है, और प्रधानमंत्री क्यों चुप बैठे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री तो सबूत दे रहे हैं, अच्छे दिनों के सबूत, आवास योजना, आयुष्मान योजना और कई तरह की योजनाओं का गिनती कर, फायदा नहीं है। कोई योजना से कोई फायदा नहीं है, लाखों से तादाद, करोड़ से तादाद जनता को खुले आकाश के नीचे ये रहना पड़ता है, आवास नहीं मिलता है, और बेरोजगार तेज से बढ़ता है, महंगाई तेज से बढ़ता है ना, और देश में जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी तक को वो हमला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तो कोई देश के लिए कोई विकास का मामला नहीं है। शिक्षा के बारे में पूरा ध्रुवीकरण चल रहा है, वाणिज्यिकीकरण चल रहा है, ऐसा स्थिति देश में आ गया, गरीबों के लिए कोई मामला नहीं है, वो सारे विज्ञापन के लिए है, प्रचार के लिए है। अच्छा ट्रेन में जिस तरीके से एक आरपीएफ के जवान ने गोली मार दी चुन चुन कर एक समुदाय के लोगों को, और साफ तौर पर एक बयान दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी तो कहना होगा, ये सिर्फ आरएसएस का ट्यून है। आरएसएस जहाँ जैसा स्कूलिंग करते हैं ना, उसका एजेंडा भी है, वो हर एक जगह में ऐसा ही बुलंद करते हैं आवाज, देश में रहना है तो देश को मोदी मोदी करो। इस जनतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जनतंत्र में हर एक नागरिकों को अधिकार है, अपना अपना अधिकार, वो क्या लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला है, खत्म करने के लिए साजिश जारी है, ये बहुत ही गहरा मामला, और वो सिर्फ एक आरपीएफ जवान का मामला नहीं है, पूरा देश में ऐसा ही उर्दी और बेउर्दी उर्दी जवान को ऐसा ही स्कूलिंग दे रहा है। टीवी मीडिया कह रहा है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो तो हमें जानता नहीं उनका मानसिक स्थिति क्या है, अगर मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो उनका ड्यूटी में क्यों रखा गया, कौन जिम्मेदारी है? तो सरकार का जिम्मेदारी बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी बनता है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट ने वो तो स्थिति खलास वो खुलसा कर दिया, कुछ दिन दो तीन दिन पहले तो कहा दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है, वो मानसिक स्थिति का अगर कुछ गड़बड़ है ऐसा कोई जानकारी रेलवे डिपार्टमेंट का नहीं है। आपने साफ तौर पर सुना कि कैसे जो है मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई, जिस तरीके से तस्वीरें आईं, वो अभी गुस्सा ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा, और वाजिब भी नहीं है कि इतनी जल्दी गुस्सा ठंडा हो जाए जब तक उसका समाधान ना हो। इस तरीके से जो है जिस तरीके से महिलाओं के साथ उनकी स्मिता के साथ खिलवाड़ की गई, नोच लिया गया उनकी स्मिता को, उस तरीके से अगर क्रोध ठंडा हो जाए तो फिर वो सही नहीं है, वो देश के लिए खतरा है, और एक जो है देश गलत दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।